कर दें। तो लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर कंप्यूटर की कंपोनेंट्स इन सब के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम करेंगे रिवीजन उस चैप्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट के तीनों क्लासेस अच्छे से करी होंगी तो ये न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ही इजी लगेंगे। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज ए कंप्यूटर? ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डेटा एज इनपुट, परफॉर्म्स ऑपरेशंस एज प्रोसेसिंग ऑन डेटा एट वेरी हाई स्पीड एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट्स। इट इज ए प्रोग्रामेबल मशीन दैट एग्जीक्यूट्स ए प्रोग्राम लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इट इज प्रोवाइडेड। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम प्रोग्राम सेट कर देते हैं और उसके बाद जो हमने प्रोग्राम सेट करे हैं वो इंस्ट्रक्शन क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर पार्ट कहलाता है। और इसके बाद हार्डवेयर पार्ट में हम इनपुट माउस या कीबोर्ड के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते हैं जिसे सीपीयू प्रोसेस करता है और आउटपुट हम आउटपुट डिवाइस में देख सकते हैं, लाइक मॉनिटर या प्रिंटर में हमें आउटपुट मिल जाता है। यहां पर किसी को डाउट, कोई बात जो आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी? पूरी प्रोसेसिंग इसकी क्लियर है कंप्यूटर सिस्टम की, कैसे वर्क करता है कंप्यूटर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, व्हाई कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड ए डेटा प्रोसेसर। हमारा जो कंप्यूटर है हम उसको डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, क्यों कहते हैं? ठीक है, तो एक कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड ए डेटा प्रोसेसर बिकॉज इट कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा वेन एवर डिजायर्ड। हिंदी में हम इसकी डेफिनेशन देंगे, कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर भी कहा जाता है क्योंकि यह जब चाहे डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है। तो ये वाला भी कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लासेस में क्लियर कराया था कि कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है अपनी मेमोरी में, तो वो स्टोर करने का काम भी करता है। हम जो इनपुट देते हैं उस इनपुट को प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है, प्रोसेसिंग का काम करता है। तो डेटा जो कि वो स्टोर करता है उस डेटा को भी वो प्रोसेस भी करता है। और हमने अगर कोई डेटा उसमें सेव किया है, जैसे हमने अपना कोई डॉक्यूमेंट सेव किया है, अपना फोटो सेव किया है, तो वो प्रोसेस होकर हमें कभी भी हम उसमें से सेव फाइल में से देख सकते हैं। इसीलिए हम इसको कंप्यूटर को क्या कहते हैं? डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं, जो कि डेटा को प्रोसेस करने का वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी रटना नहीं पड़ा। अगर हमने अच्छे से कंप्यूटर का सिस्टम को समझ लिया है तो हम इसका आंसर इजीली दे सकते हैं और इस आंसर को हम थोड़ा बड़ा भी करके दे सकते हैं क्योंकि हमें पता है किस तरीके से वो डेटा को लेता है, किस तरह से प्रोसेस करता है। अगर ये आपका ज़्यादा नंबर में आ जाए, अगर ये कम नंबर में आता है, दो लाइन दो नंबर के में आता है, आप सिंपल डेफिनेशन दे दीजिए। अगर ये आपका 4 नंबर में या ज़्यादा नंबर में आ जाता है तो मैंने जो आपको डायग्राम बनवाया था सीपू प्रोसेसिंग वाला, आप वो डायग्राम भी इसमें बना के दे सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, व्हाई इज ए कंप्यूटर कंसीडर्ड एज ए सिस्टम। जो कंप्यूटर है हमारा उसको सिस्टम क्यों बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, सिंपली कंप्यूटर नहीं बोलते। मतलब बोल सकते हैं, पर अगर उसकी जो है जो डेफिनेशन, वो कंप्यूटर सिस्टम कहलाती है। तो ए कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज ए सिस्टम बिकॉज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स वर्क एज ए सिंगल यूनिट इन कंप्यूटर फॉर सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। दैट्स वाई इट इज ए सिस्टम और ए कंप्यूटर सिस्टम। अब इसे हम कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहते हैं? इसका रीजन ये है कि इसमें कई सारे डिवाइसेस हैं, कई सारी यूनिट है। एक आपकी इनपुट डिवाइस है, एक आपकी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, लेकिन तीनों मिलकर एक ही ऑब्जेक्ट को पूरा करती हैं। जैसे कि अगर हमें अपना नोट्स बना के उसके अगर हमें प्रिंट निकालने हैं, तो पहले जब हम नोट्स, हमारा टारगेट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है हमारे नोट्स बनाना, अपना डॉक्यूमेंट्स बनाना। तो उस डॉक्यूमेंट को बनाने में हमने इनपुट डिवाइस भी यूज करी, अपने माउस और कीबोर्ड का यूज किया, सीपीयू ने उसको प्रोसेस करा, और प्रिंटर के थ्रू उसका हमने डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाला। तो एक ही ऑब्जेक्ट के लिए कई सारी यूनिट्स वर्क में लगती हैं। तो इस पूरे यूनिट क्या कर रही है, एक सिस्टम की तरह से काम कर रही है कि किस तरह से फ्लो को पास होना है। पहले इनपुट लेना है, फिर प्रोसेस करना है, उसके बाद हमें आउटपुट देना है। आउटपुट चाहे हम मॉनिटर में लें या प्रिंटर पर लें, लेकिन ये पूरी जो यूनिट है, छोटी छोटी यूनिट, वो मिलकर एक ही काम में लगी हुई है। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं इसको, एक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? हेलो फैजान, ठीक है। तो किसी भी न्यूमेरिकल को आपको रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि अगर आपने समझ लिया और आप घर से पढ़कर नहीं आए हो, कुछ अलग से क्वेश्चन आ गया, तो आप उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप अपनी लैंग्वेज में उसका आंसर लिख पाओगे। अभी जो मैंने आपको समझाया कंप्यूटर को सिस्टम क्यों कहते हैं, अब आप इसको अपने तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं आप बुक में से याद, मतलब बुक में जैसा लिखा है एज इट इज वैसा आप लिख कर आओ, अपनी तरफ से लिख सकते हो। इसलिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि किस तरीके से वर्क करता है कंप्यूटर। ठीक है, यही डेफिनेशन हिंदी में हम किस तरीके से देंगे? एक कंप्यूटर को एक प्रणाली के रूप में माना जाता है। प्रणाली यहाँ पर क्या है? सिस्टम। सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? प्रणाली। एक कंप्यूटर को एक प्रणाली के रूप में माना जाता है क्योंकि विभिन्न इकाइयां, इकाइयां यहाँ पे क्या है? यूनिट। केंद्रीय उद्देश्य के लिए, सेंट्रल ऑब्जेक्ट के लिए कंप्यूटर में एक इकाई के रूप में काम करती हैं। इसीलिए यह एक प्रणाली या एक कंप्यूटर प्रणाली है। तो कंप्यूटर को एक प्रणाली मीन्स सिस्टम, केंद्रीय मीन्स सेंट्रल, ठीक है, उद्देश्य आपका ऑब्जेक्ट, और इकाई हुई यूनिट। तो जो अलग अलग यूनिट है वो सेंट्रल एक ही उद्देश्य के लिए वर्क करती हैं, इसीलिए हम इसको एक कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, अगर हम कंप्यूटर में सोचे कि डेटा और इंफॉर्मेशन एक लगते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डेटा आर रो नंबर्स और अदर फाइंडिंग्स विच बाय देमसेल्व्स आर ऑफ लिमिटेड वैल्यू। इंफॉर्मेशन इज डेटा दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए मीनिंगफुल एंड यूजफुल कंटेक्स्ट। अब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर इजी उसमें कहें कि आपने, आप कहीं पर गए और आपको ये करना, पता लगाना है कि वहां पर क्या हो रहा है। जैसे आप किसी स्कूल में गए, किसी रूम में आप देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि चारों तरफ लंच बॉक्स रखे हुए हैं और ओपन है, और इस तरह से आपने क्या किया, डेटा पॉइंट कलेक्ट किए कि हमने ये देखा,
तो इसके से आपको इन्फॉर्मेशन क्या निकल कर आई कि आपका ये स्कूल में लंच टाइम चल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहें तो जो दो डेटा जो होता है वो होता है जो हम कंप्यूटर में की वही की इंफॉर्मेशन को पास कराते हैं, डेटा पास कराते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं डेटा पास कराते हैं। और उस 1 by 1 अल्फाबेट को लेके जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है वो हमें हो जाती है इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या है हमारे, एक रो नंबर्स हैं, हमारी फाइंडिंग्स हैं जिनको मिलाकर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो डेटा जो हुआ वो एक तरह से आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज हुई जो कंप्यूटर को समझ में आता है, और इंफॉर्मेशन जो उस डेटा के बेस पर वो ह्यूमन को समझने में आने वाली इंफॉर्मेशन में जो कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी कभी आपका ज्यादा नंबर में आ जाएगा और कभी आपका छोटे नंबर में आएगा। अगर आपका कम नंबर में आया है, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस में आया है, तो आप सिंपली नेम देंगे, और ये मैं आपको लास्ट क्लासेस में डिटेल में करा चुकी हूँ कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है, एक आपका सीपीयू होता है जो प्रोसेसिंग करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, माउस कीबोर्ड और प्रिंटर मॉनिटर मेमोरी, उसकी इंटरनल मेमोरी जिसमें आपकी फाइल सेव होती है, स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि हार्ड डिस्क की एक्सटर्नल मेमोरी को आप उसमें ऐड करते हो, जस्ट लाइक आपने जो अपने मोबाइल में आप डेटा का वो मेमोरी कार्ड आप लगा लेते हो। ठीक है, तो अगर आपका ज्यादा नंबर में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, तो उनमें उसमें क्या आएगा, एक्सप्लेन भी करना होगा थोड़ा थोड़ा, तब आप इन चारों पॉइंट को थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन भी इनकी लिखेंगे, और डेफिनेशन सारी मैं आपको करा चुकी हूँ पहले ही। ठीक है, तो कम नंबर में आए तो सिर्फ आप पॉइंट लगा के इनको लिखाएंगे, और अगर आपका ज्यादा नंबर के उसमें आएगा तो आप इनको इन चारों पॉइंट को थोड़ा थोड़ा और एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो इसमें आपका आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईपीओ साइकिल। ये मैंने लास्ट क्लासेस में नहीं कराया, ये मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईपीओ साइकिल। आईपीओ इसका फुल फॉर्म होता है आई फॉर इंफॉर्मेशन, पी फॉर प्रोसेसिंग और ओ फॉर ऑपरेशन या साइकिल। ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईपीओ, आई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, या तो आईपीसी करके पूछा जाएगा या आईपीओ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑपरेशन। ठीक है, इट स्टैंड ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इसको हम इनपुट प्रोसेस आउटपुट भी क्यों बोलते हैं या ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, ए कंप्यूटर फॉलो आईपीओ साइकिल, इट टेक्स डेटा एज इनपुट प्रोसेस इट एंड टेक्स आउट इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट। अब इसमें क्या, ये वाला मैंने आपको डायग्राम आपको कराया था लेकिन इस तरीके से नहीं कराया था, मैं अभी वो वाला डायग्राम लगाती हूँ जो मैंने आपको कराया था। इसमें ये आपको मैंने लास्ट क्लास में कराया था कि ये, अब ये क्या है, हमारी इनपुट हमने पास कराया, सीपीयू ने प्रोसेसिंग करी और आउटपुट हमें मिल गया, तो इसमें क्या हुआ, इनपुट प्रोसेसिंग देन आउटपुट, इस साइकिल को हम बोलते हैं इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट आईपीओ साइकिल। तो जब भी ये क्वेश्चन आपका आएगा तो आप ये वाला डायग्राम बना के आ सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में ही पूरी बात क्लियर है, इनपुट
यूनिट के नीचे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, माउस कीबोर्ड। आउटपुट यूनिट के नीचे भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, प्रिंटर मॉनिटर, और ये आपका सीपीयू है। ठीक है, या फिर आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं, सिंपल डायग्राम। अगर आपको वो याद नहीं है, वो वाला डायग्राम आपको एग्जाम में ना याद रहे, तो आप ये सिंपल बना सकते हैं डायग्राम। साइकिल का नाम है आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो सिंपल आपने इनपुट का बॉक्स बनाया, उसकी प्रोसेस का बॉक्स बना दिया और आउटपुट, और ये जो स्टोरेज बन रही है ये मेमोरी वाला एरिया है। ठीक है, तो इट स्टैंड्स ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, ए कंप्यूटर फॉलोज आईपीओ साइकिल, इट टेक्स डेटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड टेक्स आउट इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसमें आप अगर पहले वाला डायग्राम बनाते हैं जो मैंने आपको दिखाया, ये बहुत अच्छी बात है अगर आप ये डायग्राम बनाकर आते हैं। और अगर ये डायग्राम आपको नहीं याद रहता है तो गलत बनाने से अच्छा है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कुछ सीपीयू में कुछ गलत बना दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो आप वही सिंपल वाला बना सकते हैं। इल्मा डायग्राम में एक मिनट, मैम ये जो बुक में स्टोरेज क्या, अच्छा बॉटम में स्टोरेज आपका मेमोरी है। एक सेकेंड मैं लगाती हूँ उसको। देखो इनपुट तो आपका ये हो गया कीबोर्ड माउस हो गया, ठीक है, प्रोसेस में आपका हो गया सीपीयू, और सीपीयू को ही हमने एएलयू सीयू और मेमोरी में डिवाइड किया था। ये कल वाला डायग्राम निकालते हैं, ये डायग्राम। तो इनपुट बॉक्स हो गया आपका, आउटपुट बॉक्स हो गया सिंपल, ये सीपीयू का जो एएलयू और कंट्रोल यूनिट का कॉम्बिनेशन है, इसको हमने प्रोसेस 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 बोल दिया, प्रोसेसिंग। और ये जो मेन मेमोरी वाला बॉक्स है, ये है हमारा स्टोरेज। जैसा कि नाम से क्लियर है, स्टोरेज स्टोर करने के लिए, तो स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में क्या होता है, मेमोरी। तो ये मेमोरी पार्ट है, क्लियर हुआ। तो ये आपके ऊपर है आप कौन सा डायग्राम बना बना के आते हैं। ये वाला डायग्राम या फिर ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डज इनपुट प्ले ऑन ए कंप्यूटर। अब यहां पे इनपुट क्या है, इनपुट का एक एग्जांपल बताओ, आप में से किसको पता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आपकी सिंपली होती है माउस कीबोर्ड, ठीक है। व्हाट रोल, इसका क्या रोल होता है कंप्यूटर सिस्टम में, तो क्या होता है, एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द सीपीयू। इंटरफेस मतलब एक तरह से मीडिएटर का काम, क्योंकि अगर हमें सीपीयू को कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो हम किसके थ्रू पहुंचाते हैं, इनपुट डिवाइस के थ्रू। एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू फीड इनटू सीपीयू, सीपीयू को कोई डेटा पहुंचाने के लिए हम इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं, यानी कि माउस या कीबोर्ड के थ्रू हम डेटा को
सीपीयू तक पहुंचाते हैं। तो वो क्या करता है, एक मीडिएटर का, एक माध्यम का काम, इंटरफेस को आप हिंदी में माध्यम बोल सकते हैं, एक माध्यम का कार्य करता है सीपीयू एंड यूजर के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट रोल डज आउटपुट प्ले ऑन ए कंप्यूटर। अभी इनपुट का देखा, अब आउटपुट का। आउटपुट डिवाइसेस आपके लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है। कंप्यूटर टॉक्स टू द आउटर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड मींस ह्यूमंस, बाय आउटपुट डिवाइस। तो इसका क्या मतलब हुआ, कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन, अगर हमें कोई चीज देखनी है तो जो प्रोसेसिंग होती है, जो सीपीयू की लैंग्वेज होती है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, वो तो हम नहीं समझ सकते। ले इसको हम किसके थ्रू समझते हैं, मॉनिटर में जो हमें शो होता है, जो पिक्चर हमें शो होती है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज को जो ह्यूमन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करके शो करता है, वो क्या करता है, आउटपुट डिवाइस हमें दिखाता है। तो कंप्यूटर टॉक टू द आउटर वर्ल्ड बाय आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट यूनिट टेक्स मशीन कोडेड आउटपुट, मशीन कोडेड आउटपुट यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज, रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रोसेसर एंड कन्वर्ट्स देम इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। तो जैसे कि हमने, अगर कोई हमें वीडियो देखना है, तो हम उसमें क्या होता है, एक प्रोसेसिंग होती है सीपीयू की, बिट्स की, उसे तो हमें नहीं समझ में आती, तो उस कोडिंग को वो कन्वर्ट करके हमें समझने में आने वाली लैंग्वेज में चेंज कर देता है। तो जो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, वो भी हमारा कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में एक मीडिएटर का ही वर्क करता है, उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करके दिखाने का। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर सिस्टम हैज ए यूनिट विच डिस्प्ले द रिजल्ट फ्रॉम इट। अब ये वाला जो क्वेश्चन आता है आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आता है, ठीक है, बहुविकल्पी है। उसमें ये आपका क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर सिस्टम का जो डिस्प्ले है, रिजल्ट है, वो हम इन चारों ऑप्शन में से किस में देख पाते, कौन सा है, मतलब डिस्प्ले देखना है यानी कि आउटपुट डिवाइस। अब बताओ इन चारों में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। पहला ऑप्शन है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, सेकेंड ऑप्शन है आपका मेमोरी यूनिट, थर्ड इनपुट यूनिट, फोर्थ है आपका आउटपुट यूनिट। तो डिस्प्ले हम किस में देखते हैं, मैसेज करो, डिस्प्ले किस में देखते हैं इन चारों ऑप्शन में से। हेलो अलीजा, ठीक है। तो आउटपुट हम किस में देखेंगे, इस आउटपुट यूनिट में, जैसे कि नाम से डिस्प्ले, डिस्प्ले हम किस में देखते हैं, मॉनिटर में देखते हैं। मॉनिटर क्या होता है, हमारा आउटपुट डिवाइस होती है, हमारी आउटपुट यूनिट होती है, क्योंकि ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो तो हमारी प्रोसेसिंग काम का काम करती है। मेमोरी यूनिट स्टोर करने का करती है। इनपुट यूनिट हमारी डेटा इनपुट, जो कमांड देने का काम करती है, हमारे कंप्यूटर में कुछ भी रिजल्ट शो नहीं होता, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन को सेंड कराती है सीपीयू में। और आउटपुट जो होती है वो डिस्प्ले को देख लेते हैं।
ओके अलीजा, आप न्यू हो तो आप ना पहले लास्ट की 3 वीडियो कंप्लीट करना, तब आपको ये समझ में आएगा। आप इसको समझ लो, लेकिन आपको अगर इसको डिटेल में समझना है तो लास्ट की जो तीन तीन क्लासेस हैं उनको कवर कर लेना, ठीक है? इससे पहले इसको डिटेल में मैंने समझाया है तो उनको ज़रूर कवर करना आप, तभी आपको ये सब न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हुआ? आउटपुट यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। अब इस क्वेश्चन में क्या है हमारा कि इनमें से कोई भी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है आपका स्कैनर, स्पीकर, कीबोर्ड और माइक। इसमें से कौन सी डिवाइस है जो आपकी इनपुट नहीं है? मैसेज करो, कौन सी डिवाइस है जो इनपुट की तरह वर्क नहीं करती? अब इसमें जो हमारा स्कैनर हुआ, स्कैनर क्या काम करता है? अगर हमें किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी बनानी है तो क्या हुआ, ये इनपुट इनपुट डिवाइस हो गई। स्पीकर क्या काम करता है? किसी म्यूजिक या किसी वीडियो का साउंड सुनने के लिए, ऑडियो सुनने के लिए, यानी कि आउटपुट, ठीक है? कीबोर्ड क्या काम करता है? इंफॉर्मेशन देने का, यानी कि इनपुट। माइक, माइक्रोफोन, वो भी क्या करता है? इंफॉर्मेशन को सिस्टम में पास कराता है। तो आपका जो स्कैनर हुआ, कीबोर्ड हुआ, माइक हुआ, वो क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गई। हेलो साहिद, ठीक है? और ये आपका जो इसमें स्पीकर हुआ वो आपकी क्या है? आउटपुट डिवाइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्पीकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनपुट डिवाइस, जो कि इनपुट नहीं है, आउटपुट है, वो आपका स्पीकर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट इंटरप्रेट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशन। अब यहां पर नाम में ही मेंशन है कि कंट्रोल ऑपरेशन, कि कौन सा पार्ट इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन फ्लो हो रही है, उस फ्लो को कंट्रोल करता है, कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कंट्रोल के बारे में, कि सीपीयू का एक पार्ट है जो फ्लो को कंट्रोल करता है। किसी को याद है उस पार्ट का नाम? पार्ट का नाम है कंट्रोल यूनिट, ठीक है? ये क्या है? सीपीयू के एएलयू और सीयू कराया था, तो सीयू क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफाइंड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन भी मैं आपको कराई है मैंने आपको। सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू अचीव द डिजायर्ड टास्क एंड आर मेनली कैटेगराइज एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि आपकी सिस्टम में इंस्टॉल करा दिए जाते हैं, जस्ट लाइक जीमेल, फेसबुक, ठीक है? ये सारे क्या होते हैं? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जिसको इंस्टॉल कराया जाता है सिस्टम में। तो ये क्या होते हैं? मेनली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसमें इंस्ट्रक्शन पहले से ही सेट कर दी जाती है कि आप ये कमांड पर ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से वर्क करेगा,
जैसे कि जीमेल में सेंड पे क्लिक करने पर आपका जो मेल है उस एड्रेस पर सेंड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन हार्डवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज हार्डवेयर, एज कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर। फिजिकल, जो कि आपको फिजिकली आप जिसको टच करते हैं, फील कर सकते हैं, वो किसे, वो पार्ट्स क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। जस्ट लाइक कीबोर्ड है, सीपीयू है, मॉनिटर है, प्रिंटर है। ठीक है, तो ये सारे जो आज क्वेश्चन कराए हैं उनको डिटेल में मैं ऑलरेडी लास्ट 3 क्लासेस में करा चुकी हूँ। एनी डाउट या एनी क्वेश्चन जो आपने चैप्टर में पढ़े हो और आपको जिनके आंसर नहीं पता चले हो या समझ में ना आए हो कोई टॉपिक? ठीक है, तो चैप्टर 1 के ये जो मैंने 3 या 4 क्लासेस आपको करा दी हैं, इनको आप लोग अच्छे से कर लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी ये क्लास मैं ऑफ कर रही हूँ इस टाइम।